हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल रामरूप शर्मा। और जैसे कि आपका कल बोर्ड एग्जाम है इंग्लिश क्लास 10th का, सो सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत बढ़िया मैं एग्जाम जाएगा और हम सब फोड़ कर आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूँ लेटर राइटिंग की। आपको पता है लेटर राइटिंग आपका फॉर्मल लेटर ही आने वाला है, इसके अलावा कोई भी लेटर आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका बेसिक सा फॉर्मेट है। अब आप बोलोगे सर ब्लैक बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा, हालांकि मैंने पीडीएफ बना रखी है प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स की कॉपी पे, ब्लैंक शीट, बहुत बड़े स्कैन्ड इमेजेस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप नोट्स उठा लेना। मैंने प्रॉपर नोट्स में वहां पे बता रखा है फॉर्मेट क्या फॉलो करना है, एक एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है ना। सो यू नीड टू डू दैट थिंग कि जाके डिस्क्रिप्शन में फटाफट से नोट्स देख लेना, डाउनलोड भी कर लेना बेशक, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की। आपको पता है 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला है गाइज, एक्सक्यूज मी, 8 मार्क्स का लेटर राइटिंग हमारा आने वाला है, जिसमें की वेटेज क्या रहेगी। वेटेज हमारी कुछ इस हिसाब से रहेगी कि हमें सबसे ऊपर लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस, सबसे ऊपर लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू लीव द लाइन। यहां पर सेंडर्स एड्रेस खत्म है, ठीक है। आपको फिर एक लाइन छोड़नी होगी, फिर आपको यहां पर लिखनी होगी डेट, फिर आपको फिर एक लाइन छोड़नी होगी यहां से लेके द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़नी होगी और फिर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ध्यान रखना कि 3 या 4 वर्ड से ज्यादा ना हो, 3 या 4 वर्ड से ज्यादा सब्जेक्ट हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। सब आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ डैश, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। डियर सर स्लैश मैम, सर है तो सर, मैम है तो मैम। अब आपको फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, यस फर्स्ट पैराग्राफ यानी कि इंट्रोडक्शन और द लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन, दोनों ही पैराग्राफ में आपको अभी बता रहा हूं, अभी लिख लो, हालांकि नोट्स में प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर लेना बिना किसी दिक्कत के, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, थ्रू द कॉलम ऑफ एयर एस्टीम्ड न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन टुवर्ड्स द टॉपिक ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका टॉपिक आया हुआ। फिर आपको सेकंड थर्ड पैराग्राफ खुद बनाना पड़ेगा और उसी के साथ सो इन कंक्लूजन बाय अपीलिंग द रीडर्स, ये है हमारा थर्ड पैराग्राफ। ये कौन सा है, थर्ड पैराग्राफ। सो इन कंक्लूजन बाय अपीलिंग द रीडर्स टू बी कंसर्न्ड एंड अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, योर्स ट्रूली ऋषभ शर्मा। तो बच्चों इस तरीके से आपको लेटर राइटिंग लिखनी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल पेपर नहीं आने वाला, बहुत इजी और अच्छा पेपर आएगा, काफी अच्छे लेवल का आएगा और आप सभी फोड़ के आओगे गारंटीड। फुल अच्छे से मेहनत करते रहिए, मेरे नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। आज रात 9 से 12 बजे तक मैं अनअकैडमी पर लाइव रहूंगा, वो भी टोटली फ्री, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। 3 घंटे में पूरी इंग्लिश रिवाइज कराऊंगा मैं रात को आपको, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, ठीक है ना। प्लस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, सब एग्जाम्स में आपकी हेल्प कराई जाएगी। प्लस मैं अभी आने वाले थोड़ी देर बाद वीडियो में, आज ही मैं इंग्लिश की 4-5 वीडियो आपको डल जाएंगी पूरे दिन में, ठीक है ना, जिसमें मैं लिटरेचर क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग पर होगी एंड आफ्टर दैट हमारी ग्रामर सेक्शन पर होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोट्स देख लेना। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।